यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आप साइट्स हैं जो आपके जैसे कीवर्ड्स यूज कर रही है. लिंक बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी. हेलो जी, नमस्ते जी, वेलकम टू वीडियो नंबर 5. वेल, ये हमारी सीरीज का सेकेंड लास्ट वीडियो है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव कंप्लीटेड वॉचिंग ऑल द वीडियोज टिल नाउ. मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे लर्न विद स्किल एकेडमी यूट्यूब सीरीज में. दिस इज एन इनिशिएटिव बाय टेस्ट बुक. वेल, ये जो वीडियो नंबर 5 है इसमें हम जानने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ हम कैसे कर सकते हैं. आपको याद होगा कि हमारे जो सर्च इंजन बॉट्स हैं वो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग, उसके बाद रैंकिंग करते हैं. तो अगर आपको रैंकिंग बूस्ट करनी है अपने वेबसाइट पेज की, तो यू हैव टू डू ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ. सो ऑफ पेज एसईओ में ऐसा होता है कि दूसरी कोई वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट, आपके वेबसाइट को रेकमेंड करती है बाय गिविंग अ बैक लिंक टू वन ऑफ योर पेजेस. तो इससे क्या होता है कि बॉट्स और क्रॉलर्स को लगता है कि आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अच्छी है इसलिए ही आपको दूसरी वेबसाइट्स रेकमेंड कर रही है, और ऑफ पेज इसलिए आपको दूसरी वेबसाइट्स रेकमेंड कर रही है और आपको बैकलिंक्स दे रही है. तो इसलिए हमें अगर अपनी रैंकिंग बूस्ट करनी है तो ऑफ पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए जानते हैं हम कैसे लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं या ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमरश. तो अब मैं आ गया हूँ सेमरश टूल के होम पेज पे. मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे एसईओ. नाउ एसईओ सेक्शन में जाना है हमें, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिंक बिल्डिंग आ जाएगा. लिंक बिल्डिंग का मतलब है ऑफ पेज एसईओ. यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज एसईओ. पहला है बैकलिंक एनालिटिक्स. नाउ बैकलिंक एनालिटिक्स टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू एनालाइज द डोमेन और बैकलिंक्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर वेबसाइट. किसी कॉम्पिटिशन वेबसाइट के लिए आपको अपनी उनकी बैकलिंक्स एनालाइज करनी है, उनको कहाँ कहाँ से रिकमेंडेशंस आ रही है, कौन सी वेबसाइट से रिकमेंडेशन आ रही है, तो आप बैकलिंक एनालिटिक्स कर सकते हैं. एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी एजेंसी, एनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वाइल पिचिंग टू एनी न्यू क्लाइंट यू कैन यूज बैकलिंक एनालिटिक्स एंड टेल देम वॉट इज देयर एनालिटिक्स स्टेटस. आई एम सॉरी, एंड टेल देम वॉट इज देयर बैकलिंक स्टेटस एंड वॉट काइंड ऑफ बैकलिंक्स दे आर गेटिंग, और आप उनके लिए और कौन सी बैकलिंक्स लेके आ सकते हैं. तो उसके लिए भी ये टूल इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाता है बैकलिंक ऑडिट टूल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन वेबसाइट. हमें कभी कभी ऐसी जगहों से, ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल जाती हैं जो हमारे वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं होती है. कुछ इररिलेवेंट वेबसाइट्स या शेडी वेबसाइट्स या कोई स्पैमी वेबसाइट से हमें बैकलिंक आ जाती है, क्योंकि हम इतने सारे पेजेस पब्लिश करते हैं कि कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स आते हैं हमें नहीं पता चलता. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू डू बैकलिंक ऑडिट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एंड सी कि कोई टॉक्सिक लिंक्स तो आपके वेबसाइट को बैकलिंक नहीं दे रही है. अगर दे रही है तो आपको उसे आइडेंटिफाई करके रिमूव करना होगा. उसके बाद आ जाता है लिंक बिल्डिंग टूल. नाउ लिंक बिल्डिंग टूल का डेमो आज हम दिखाने वाले हैं आपको. इस टूल से यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप करके अपना ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. मैं लिंक बिल्डिंग टूल पे क्लिक करूंगा. यहाँ पे जाके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना होता है, अपने वेबसाइट के डोमेन का नाम और प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे ऐड करके यू कैन स्टार्ट डूइंग लिंक बिल्डिंग. तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम टेस्ट बुक के डिजिटल मार्केटिंग टीम के लिए काम करते हैं और हम उनके लिए लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं या हम उनके लिए ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं. तो आप इस रिपोर्ट में जाएंगे, हम लिंक बिल्डिंग रिपोर्ट में. यहाँ पे हमें एक सेटिंग करनी होती है जो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो सेटिंग ये है कि आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं. यू हैव टू ऐड कीवर्ड्स, यू हैव टू ऐड कीवर्ड्स विच आर रेलेवेंट फॉर योर वेबसाइट. सो उस बेसिस पे सेमरश टूल जाके दूसरी वेबसाइट्स को देखेगा और फाइंड आउट करेगा ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके जैसे कीवर्ड्स यूज कर रही है. उस बेसिस पे वो बताएगा कि आप इन इन वेबसाइट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और अपना ऑफ पेज एसईओ इंक्रीज कर सकते हो. उसके बाद आपको अपने कुछ 10 कॉम्पिटिटर्स के नाम देने हैं सेमरश टूल को. सेमरश टूल देखेगा कि इन कॉम्पिटिटर्स को बैकलिंक कहाँ से मिल रही है. तो अगर कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल या कोई ब्लॉग आपकी कॉम्पिटिटर्स को बैकलिंक दे रहा है तो वो आपको भी दे सकता है. तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू कैन रीच आउट टू दैट वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और अ ब्लॉग. सो वंस यू डू दिस यू कैन स्टार्ट डूइंग योर बैकलिंक लिंक बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दिस रिपोर्ट
सेमरश टूल इज टेलिंग मी देर आर 3,478 वेबसाइट्स जिनके साथ मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ। सो हम देखेंगे ये कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है यूडेमी का नाम। सो यूडेमी पे हम अपने कोर्स ऐड कर सकते हैं, टेक्सटबुक के जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, हमारे वीडियोज हैं, हम वो ऐड कर सकते हैं। तो शायद हम इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या इनके साथ हम ब्लॉगिंग की पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये वेबसाइट अच्छी है, रेलिवेंट है, तो इन्हें मैं ऐड कर दूंगा इन प्रोग्रेस में। इन प्रोग्रेस में क्या होगा कि यहाँ से ये लिंक चले जाके दूसरे टैब में जाएगी जो इन प्रोग्रेस टैब है। मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा कि इन प्रोग्रेस टैब में हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कैम्ब्रिज की वेबसाइट से हमारे को पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो आई वुड से यस दैट्स अ गुड वेबसाइट। सो मैं उसे भी गेस्ट पोस्ट में डाल दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ शेडी सी वेबसाइट है, maudu3.com, ये मुझे सही नहीं लग रही है। सो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे रिजेक्ट करके लिखूंगा पुअर क्वालिटी डोमेन। अब वॉरियर फोरम, मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं जाके विजिट करूंगा और देखूंगा ये क्या है। सो ये फोरम लग रहा है मार्केटर्स क्रिएट होलिस्टिक, अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस एंड वी विल सी कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आगे जाके, हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट देम। उसके बाद लिंक्डइन आ गया है। लिंक्डइन के साथ मैं क्या पार्टनरशिप कर सकता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, मैं इसे फिर भी ऐड कर दूंगा एंड आई विल सी कि मैं कैसे इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है डिजिटल विद्या। नाउ डिजिटल विद्या इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स फॉर textbook.com। सो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज अब अ कॉम्पिटिटर। सो इस तरीके से मैंने कुछ डोमेन्स को रिजेक्ट किया है और कुछ डोमेन्स को सिलेक्ट किया है जिनके साथ मुझे पार्टनरशिप करनी है। तो जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया है वो अवेलेबल होते हैं इन प्रोग्रेस टैब। सो इन प्रोग्रेस टैब में आप देख सकेंगे जिन जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है। मैंने लिंक्डइन को सिलेक्ट किया था, वॉरियर फोरम को सिलेक्ट किया था, कैम्ब्रिज को सिलेक्ट किया था, यूडेमी को। सो ये सारे आ गए हैं। सो मैं कैम्ब्रिज को यहीं से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। आई कैन कॉन्टैक्ट देम, आई कैन ऐड देयर ईमेल आईडी। यहाँ पे उन्होंने कुछ ईमेल आईडीज दी हुई है सेमरेस्ट टूल ने। अपनी ईमेल आईडी ऐड करके आई कैन राइट द सब्जेक्ट लाइन एंड आई कैन राइट द ईमेल कंटेंट एंड आई कैन रिक्वेस्ट देम कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, हम ब्लॉगिंग करेंगे, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बाय राइटिंग ब्लॉग्स ऑन रेलेवेंट टॉपिक्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो इससे हम दोनों का ऑफ पेज एसईओ इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डू लिंक बिल्डिंग यूजिंग सेमरश टूल, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड इट मेक्स इट वेरी एफिशिएंट ऑल्सो। लिंक बिल्डिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे हैक्स और बहुत सारे टिप्स होते हैं, उसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ। एक होता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ओके, ब्रोकन बैक लिंक बिल्डिंग। अब ब्रोकन बैक लिंक बिल्डिंग क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग टेक्निक होती है, आप उसके बारे में थोड़ा सा जानिए, रिसर्च कीजिए और आप उसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमरश टूल बाय यूजिंग बैक लिंक एनालिटिक्स। बैक लिंक एनालिटिक्स यूज करके आप ब्रोकन बैक लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो एसईओ ऑडिट के ऊपर होगा, एंटायर वेबसाइट का एसईओ ऑडिट हम कैसे कर सकते हैं इन ऑटोमेटेड वे। सो डू कंटिन्यू वॉचिंग द सीरीज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।